डैड के बीच की कहानी एक सिटकॉम बेस्ड स्टोरी होती है। देखिए सिटकॉम बेस्ड बेसिकली क्या स्टोरी होता है स्टार्टिंग की उसकी मैं बताता हूँ कि सिटकॉम एक ऐसी है कि जहाँ पे आप दो डायलॉग्स होंगे और बीच में एक स्टैंडर्ड लाफिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा जिस कारण के रेगुलर पैटर्न से आप नॉर्मल से नॉर्मल डायलॉग पर भी रिएक्शन आपके एक पॉजिटिव रिएक्शन हो जाती है और इसी कारण से जो माइंड में एक रेगुलरिटी बनती है ना रिएक्शन की वो आपको लॉन्ग लास्टिंग लगेगी कि हर डायलॉग्स वो से हंसने वाला बना रहा है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इवेंचुअली एक माइंड के स्लिप के पैटर्न को समझ कर सिटकॉम बनाया जाता है इसलिए बेसिकली उसको सिटकॉम भी बनाया जाता है। तो फ्रेजर की कहानी कुछ इसी तरह से है कि एक डैड और सन के बीच में जुगलबंदी होती है उस पूरी जुगलबंदी का एंजॉयमेंट सारे लोग करते हैं। तो कैसे मैं वीडियो कमेंट करके बताएगा और फ्रेजर भाई पैरामाउंट की प्लस और उन्होंने टाइप कर लिया तो उन्होंने एक काफी अच्छी कंटेंट बनाने की फुलन कोशिश की गई है। तो कैसे मैं वीडियो कमेंट करके बताएगा सब्सक्राइब कर लीजिए।